हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 6 जनवरी है। आज CHSL का टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट या होने वाला है। मेरा भी है आज टाइपिंग टेस्ट और मेरा 4 से 4:30 के बीच में टाइपिंग टेस्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम 2:45 से 3 के बीच में है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों। सनसेट का टाइम हो रहा होगा 5 बजे जब निकलूँगा। ऐसे में जब निकलूँगा रिव्यू दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी CHSL का पहली बार टाइपिंग दे रहा हूँ, पहली बार एक्सपीरियंस होगा SSC का टाइपिंग का। इससे पहले तो मैं DSSP का दिया हूँ लेकिन ये पहली बार होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा ये सेंटर है। अभी यहाँ पे मिस्ट है, पूरा धुंध है तो दिखाई नहीं देगा इतना। ऐसे मैं सेंटर पे पहुँच गया हूँ, अभी 2 घंटा वेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा टाइपिंग का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अभी थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, बात करें एग्ज़ाम का टेस्ट का, तो मेरा नोएडा सेक्टर 62 में पड़ा हुआ था। तो NR वाले सब पता होगा नोएडा सेक्टर 62 में कैसा की बोर्ड होता है। और मैक्सिमम मेरे को लगता है SSC के सेंटर पे जो स्किल टेस्ट का होता है, CGL हो या CHSL हो, इसी तरह का नेचर होता होगा कीबोर्ड का। क्योंकि यहाँ पे जो था नोएडा सेक्टर 62 में, मतलब हार्ड नेचर का था कीबोर्ड, पूरा हार्ड नेचर का। जैसे कि आपको एक बार प्रेस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 10 से 15 मिनट उस पर, तो अगर शुरू में आप देंगे पहले से, अगर प्रैक्टिस करके नहीं आए होंगे घर पे, या यहाँ पे 10-15 मिनट जो दिया जाता है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा था। तो ये NR रीजन वाले ध्यान रखेंगे कि नोएडा सेक्टर 62 में जो भी कीबोर्ड दिया जाता है ये हार्ड नेचर का होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें मेरा एग्ज़ाम का कैसा गया, तो मेरा एग्ज़ाम दोस्तों ठीक गया है। क्योंकि मेरा जो है पूरा 1755 से 1760 की स्ट्रोक के बीच में दिया हुआ था। 10 मिनट में टाइप करना होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि पहले 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करवाते हैं वो लोग, फिर आपको 3 मिनट जो है ब्रेक देते हैं और फिर 10 मिनट रियल टाइपिंग होता है। तो उसमें दोस्तों मेरा जो था, जब मैं टाइप रियल में टाइप किया तो उसमें 1758 की स्ट्रोक में टाइप कर पाया। 20 सेकेंड बच गया था मेरा, तो लास्ट में 2-3 वर्ड में थोड़ा, तो दोस्तों 2-3 वर्ड जो था लास्ट में मैं एक्स्ट्रा जो है, मतलब 2-3 वर्ड नहीं कर सकते, 1 वर्ड शायद लास्ट में मेरे को जो उसमें प्रॉब्लम समझ में आया उसको मैं ठीक किया। और इसमें आपको जैसे पता ही होगा दोस्तों कि माउस से आप ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते हैं, उसमें जो भी है आपको जो एरो का निशान होता है उसे आप ऊपर नीचे ले जाके आप करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका वर्ड्स गलत हुआ है। तो ऐसा तो दोस्तों मेरा 1758 की स्ट्रोक हो पाया। ऐसे तो इंटरनल फीलिंग आ रही है कि हाँ ये क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों नंबर उतना आपको पता है कि मेरा है नहीं, 206 के लगभग है, तो इतना पर मेरिट बनने वाला नहीं है। इतना मेरे को इंटीरियर फीलिंग, तो मतलब इतना तो पता एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा ही जाएगा जितना भी कटअप जाएगा। ऐसे जिनका इसके आसपास है वो डिमोटिवेट मत होइएगा, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसका आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि CGL मेंस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे कि आपको पता है प्री का रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में, क्योंकि जानते हैं आप लोग CPO का रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के बीच में दे दिया जाता है इंसवर्ती के बाद, तो CGL का भी हो ही गया 1 महीना के लगभग में। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय।